अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सारे घर को गोलियों से छलनी कर दिया इसने, तबाही और कोहराम मचा के मुझे और भानु को जान की धमकी देते हुए वहां से चला गया। अब मेरे भाई को गोली लगी है तो किसने चलाई? जिसने धमकी दी उसने। नहीं, राजीव बाबू कहीं नहीं जाएंगे। छोड़ो हमको, क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए, छोड़िए। राजीव ऑन ड्यूटी है, धक्का मुक्की नहीं। चलो। नहीं, कह रहे राजीव बाबू कुछ नहीं किए। तुम जाओ जेल राजीव नारायण चंदेल, और कुहू उसके पास जाएगी जो उसके काबिल है। संजीव बेटा, जमानत की अर्जी तैयार करवाओ। जी। पहले बेटा फिर बाप, अब तेरी बारी है देवनारायण। संपूर्ण सर्वनाश करूंगी तुम्हारा। अपने विनाश की उल्टी गिनती शुरू कर दे। राजीव बाबू को जेल के अंदर नहीं डाल सकते। सारे सबूत आपके पति के खिलाफ है। तोड़फोड़ का मामला, हमारे पास शिकायत का कॉपी पड़े हैं, यही होगा उनका। आप जेल के अंदर नहीं डाल सकते, हम कह रहे हैं आपको। धमकियां दी है इन्होंने, गोलियां चलाई है, और सारा शक इन पे जा रहा है। पर भानु चाचा पे 4 बजे गोली चला था, और 4 बजे राजीव बाबू वहाँ थे ही नहीं, कहीं और थे। देखिए मैडम, आप कानून के मामले में मत पड़िए और हमको हमारा काम करने दीजिए। कानून का मामला? ये हमारे पति का मामला है, और हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? सिंह साहब। जैन सर, ठीक कह रही है मिसेस कू। जब भानु प्रताप पर हमला हुआ था तब राजीव मेरे साथ थे। तुम चाहो तो मेरे घर का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। ये देखो सिंह साहब, प्लीज प्लीज एक बार बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अब सुन तो लीजिए, अब प्लीज प्लीज। एक बार हम क्या कहना चाहते हैं, सुन तो लीजिए हमारी बात, प्लीज एक्सक्यूज मी। तो जाहिर सी बात है, भानु प्रताप पर हुआ अटैक राजीव ने तो नहीं किया, कुहू समझ गई थी। जब भानु प्रताप पर हमला हुआ तो उनके पति मेरे साथ थे, फिर कुहू का फोन मेरे पास आया। हमारे राजीव बाबू को पुलिस लेके चली गई है, वो भी भानु चाचा पे हमला करने के जुर्म में। लेकिन राजीव बाबू तो आपके साथ थे ना सिंह साहब, ये तो अन्याय है। आप खुद ही पुलिस के आला अफसर रह चुके हैं, और आपका बेटा देश का फौजी है, और आप लोग देशभक्त हैं, तो जो हमारे राजीव बाबू के साथ हो रहा है क्या वो अन्याय नहीं है? कुछ कीजिए ना सिंह साहब। राजीव हमले के मामले में निर्दोष है इंस्पेक्टर, इन्हें रिहा कर दीजिए प्लीज। अरे देखिए, तोड़फोड़ का मामला, उससे भी राजीव बाबू रिहा हो गए। ये देखिए, कोर्ट से रिहाई का आदेश आया है। मिस्टर राजीव, आप जा सकते हैं। सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप नहीं आते तो
राजीव बाबू को उस गुनाह के लिए जेल में रहना पड़ता जो गुनाह किए ही नहीं है। चंदेल परिवार के संबंध में हमारे बीच कुछ कड़वाहट और दूरियां तो जरूर हैं, पर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, जिसकी ऐसी पत्नी हो उसकी लाइफ में कभी कोई समस्या ज्यादा देर टिक नहीं सकती। एनीवेज मैं अब चलूंगा, मुझे कहीं पहुंचना है। ओके नमस्कार, चलिए। तुम्हें कैसे पता कि हम सिंहसाग पे घर पे गए? वो हम आपको फोन किए थे, आप फोन काटे, शायद फोन कटा नहीं तो आपका आवाज आते रहा हमको। सिंहसाग प्लीज प्लीज एक बार बात समझने की कोशिश तो कीजिए, आप सुन तो लीजिए प्लीज प्लीज। ये राजीव बाबू हम सिंहसाग, एक बार हम क्या कहना चाहते हैं सुन तो लीजिए हमारी बात। मैं फैसला कर चुका हूँ, अब बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है मिस्टर राजू। प्लीज सर, प्लीज सर, इट्स अ रिक्वेस्ट सर, प्लीज सर। राजीव बाबू सिंह साहब के घर पे, हम बूझ गए थे कि आप सिंह साहब के यहाँ ही हैं। थैंक यू। या जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है ना, हम आज बाहर है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे पूरी बात सुन के तो जाओ। अरे अरे गाड़ी में ठंडी ठंडी एसी में बात करते ना, आओ ना। ऑटो का क्या जरूरत है? आप गाड़ी में आराम से बैठिए, ठंडा ठंडा हवा खाइए, तब तक हम घर पहुंच जाएंगे। चलिए भैया, चलिए भैया चंदेल भवन। गुस्सा नाक पे रहता है लड़की का। कू सुनो ना हमारी बात, चलो ना गाड़ी में। आप रुक कर रहे, चलिए ना। ए ऑटो रुक, खबर है जो एक कदम भी रिक्शा आगे बढ़ाई है ना तो याद रखना, बैठो ना गाड़ी में। हम कहीं नहीं जाएंगे मैडम, आप आपस में निपटिए। इसमें निपटाने का जरूरत है, हम रोके है ना, कौन होते रोकने वाले, आप चलिए। चलो चार पैसे हम भी बचा लेंगे। रोकिए रोकिए, अब क्या हुआ? अरे अरे अब क्या हुआ? इनको लेके जाइए। अरे रुको, जाइए जाइए। अरे रुकोगी नहीं? नहीं। हमारी बात सुनोगी नहीं? नहीं। तो ठीक है हम भी तुम्हारे साथ चल देते, थोड़ी सेहत बन जाएगी हमारी। लेकिन ये धूप बड़ी जालिम है, लेकिन कू मैडम के लिए क्या धूप क्या बरखा। आहा भोलापन तेरा मोहे मिसरी सा लागे रे, भोलापन तेरा मोहे मिसरी सा लागे रे, जाने काहे मन मेरा तेरे पीछे भागे रे, जाने काहे मन मेरा तेरे पीछे भागे रे। क्या मिलता है मोहे सताई के, मोहे सताई के। ना तो हम कुह के बिना जी सकते हैं और ना ही कुह की पग पग सुने बिना रह सकते हैं। शुरू हो गया आपका कविता पर, क्या तुम हमारे बिना जी पाओगी? हमसे बात किए बिना रह पाओगी तुम? छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। बोलो। अब देखिए जननी एआई की कहानी, तीन दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। रह पाओगे हमारे बिना? क्या करेंगे आपके साथ रह के? अरे और वैसे भी हमारा कौन सा बात मानते हैं आप, जब देखिए हर समय अपना ही मनमानी करते हैं ना। अरे मान तो लिया ना तुम्हारा बात, अरे इसीलिए तो बात मान ली, इसीलिए तो माफी मांग रहे कि गलती हो गई हमसे। अरे तुम्हारी बात ना मानने का नतीजा भी देख लिया हमने, भुगत तो लिया। ओके कू, हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम तुम्हारी बात मानेंगे, जो सजा देनी हमको दे दो, लेकिन प्लीज हमसे अलग होने की बात मत करो प्लीज। छाप तिलक कहीं हंसन बोल रहे हैं? छाप तिलक कभी नहीं। सब छिन गयो रे तो से हम ये सब अपने लिए नहीं करते, आपके लिए करते। आपका जान खतरा में है, ये सुन के सोच के हम ऐसे ही अधमरे हो गए हैं। आप हमारे बिना जी सकते हैं, लेकिन कू राजीव बाबू के बगैर नहीं जी सकते। ओ कू, ये सारे खौफ ये सारे डर
अपने मन से हटा दो, क्योंकि जब तक कुहू है ना, तब तक ये राजीव बाबू को कुछ नहीं होगा। अरे कुछ हो ही नहीं सकता। पर वो बहादुर संकेत का क्या करे, जो अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है। क्या राजीव चंदेल रिहा हो गया? वो तो रिहा हो ही गया, पुलिस अब तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। पुलिस को खुशबू ने आपका नाम दे दिया है, भानु पे हमला आपने करवाया है। क्या बक रहे हो? सिद्धेश्वरी देवी ने पुलिस को खबर की थी कि भानु प्रताप पे जानलेवा हमला आपने करवाया है। इसकी तो सिद्धेश्वरी से होशियारी। खराब हो गया क्या तुम्हारा? मेरा कि तुम्हारा, ये कर क्या रही हो तुम? सब कुछ किया तुमने और पुलिस के आगे नाम दे दिया हमारा। मैंने कि तुमने? अच्छा, भानु पे गोली किसने चलवाई, हमने या तुमने? राजीव और को पे बेहोशी की दवा किसने? तुमने ना? और वो जाली कागजात और वो फोटो, वो किसने भेजी? तुमने मैडम, तुमने। सत्यमेव जयते। सत्य का हमेशा जीत होता है। हाँ होता है, जैसे पानी में डूबा हुआ लाश ऊपर सतह पे आ जाता है, एकदम वैसे ही आप दोनों का गड़ा हुआ जो कारनामा था ना, वो उफन के ऊपर आ गया है। चाहिए सर, मिस पहचानी आप बिल्कुल वैसे ही ना, जैसे फोन पे हमारा आवाज नहीं पहचानी थी। वो तो रिहा होगी, अब पुलिस तुमको गिरफ्तार करने आ रही। खुशबू ने पुलिस को आपका नाम बता दिया कि भानु पे हमला आपने करवाया है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तेरी ये मजाल। मैडम आप दोनों पहले पुलिस से बच लीजिए, उसके बाद इनसे निपटिएगा। और सूरत ही सब कुछ नहीं होता है, सूरत के साथ साथ सीरत होना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपका सच्चा सीरत होता ना, तो आज आपको किसी से डरने का जरूरत नहीं होता। और आज पुलिस के सामने आप दोनों खुद ही पूरा बयान दे दिए हैं, पूरा सबूत सबके सामने आ गया कि कैसे आप राजीव बाबू को जेल भिजवाई, उनको फंसाने का कोशिश की और कैसे पूरे परिवार के खिलाफ एक भयानक षड्यंत्र रची, सब सामने आ गया है। बचोगी नहीं तुम हमसे। छोड़ो छोड़ो मुझे, इस लड़की को तुम्हें। हाँ, हमारा छोड़िए, आप दोनों जाते जाते ना हमारा चेतावनी लेते हुए जाइए, आगे फिर कभी हमारे परिवार की ओर ना बुरा नजर से देखे भी ना, तो सात जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, बदला लेके रहेंगे। पर हाँ, एगो खुशखबरी है आप लोग के लिए, हम ना शिकायत दर्ज करा दिए हैं कि अगर हमारे राजीव बाबू को कोनो नुकसान हुआ, थोड़ा भी खरोच भी आया ना, तो उसका इल्जाम आप दोनों के सर पे मर देने। ले जाइए, हो गया, ले जाइए। छोड़ो, वाह तू भाभी, एकदम गजब। क्यों बाबा? अब तो मानते हैं ना कुकू इस घर की काबिल बहू, इस घर की बड़ी बहू, मानते हैं ना?
आज फिर से कुहू ने इस परिवार को घोर विपदा से बचाया बाबा। बाबा हम तो कहते हैं कि अब आप अपने ही हाथों से हमारे और कुहू की उस तस्वीर को दीवार पर लगा दीजिए, अपने हाथों से। काबिल नहीं, ना काबिल बर्दाश्त है हमको ये लड़की। आज जो हुआ, जिस घोर विपदा से हम बच गए, सब इसका किया धरा है। इसके कारण ही हम तुम इस झमेले में फंसे हैं। कुहू के कारण नहीं बाबा, आपकी ये अधर्म पत्नी खुशबू देवी के कारण। आज खुशबू के वजह से हम पूरी तरह से बर्बाद होते होते बचे। सुना नहीं आपने? अरे अभी अभी तो सबके सामने अपने गुनाहों की लिस्ट देकर गई है वो। खुशबू ने जो कुछ किया इसके कारण किया है। नहीं बाबा, ये उन्होंने अपनी दुष्टता, अपनी बदनीयत और अपने स्वार्थ के कारण किया। अरे ये तो भला हो कि आपकी इस काबिल बहू ने हम सबको। काबिलियत तुमको साबित करनी है राजीव, तुमको। औरत के आंचल की पनाह लेकर जो जिम्मेदारी और काबिलियत का ढिंढोरा तुमने पीटा था, पहले उसको साबित करो, उसके बाद जबान लड़ाना हमसे। बाबा, दादा, हम देख के आते। राजीव बाबू, तस्वीर लगेगा, जरूर लगेगा, लेकिन आपके जीत के बाद हम और आप दोनों मिल के लगाएंगे। लेकिन उसके पहले हमको मिल के ना भूमि का ब्याह धूमधाम से करना है ना? प्राउड ऑफ यू कुहू। सारे मुजफ्फरपुर को मालूम थी है श्राप वाली बात। फिर खबर मिली कि वो श्राप टल गया, पर आज जब हमने देखा सुना उसके बाद तो लगता है कि आपके परिवार में अब भी एक श्राप कायम है। ये तुम्हारे लिए चैलेंज है। यदि तुमने मेरी बेटी भूमिका का ब्याह किसी अच्छे घर में करा दिया तो तुम दोनों की तस्वीर मैं लगाऊंगा। पानी, कुछ कहने का जरूरत नहीं है, हम आपका दुख समझ रहे हैं। हमको भी ऐसे ही लगता था कि हमारा कभी ब्याह नहीं होगा, हमको कोई प्यार नहीं करेगा, लेकिन देखिए भोले बाबा की कृपा से हमारा ब्याह हुआ। खुबी इतने अच्छे घर में इतने सब लोग मिले, आप मिले और राजी बाबू जो हमसे इतना प्यार करते। जब इस मुनिया टोला की मुनिया को इतना सब कुछ मिल सकता है तो हमारी परी जैसे ननद को नहीं मिल सकता? भगवान ना सबके लिए कोई ना कोई चुन के रखता है। देखिएगा आपके लिए ना एकदम खास खूबसूरत इंसान आएगा जो आपको बेहद प्यार करेगा। सच्ची भाभी? सच्ची, कसम भोलेनाथ की। वैसे एक बात पूछे? हाँ हाँ पूछिए ना भाभी। माने हम आपके भाभी हैं, लेकिन भाभी दोस्त भी तो होती है ना। कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान जिसको देखकर मन में प्यार जगा हो? हाँ भाभी, कॉलेज में एक लड़का था राहुल जो मुझे बहुत पसंद करता था। हे भगवान, प्यार कोनो पाप थोड़ी होता है। लड़का अगर अच्छा है, स्वभाव में अच्छा है, कमाता अच्छा है तो दिक्कत का है? पर भाभी पापा कभी नहीं मानेंगे। प्यार और सम्मान के बिना ब्याह ब्याह नहीं होता। ये देखिए,
अच्छा? बहुत ही अच्छे हैं। आप चिंता मत कीजिए, राजू बाबू से कहते हैं ना चीकू ढूंढे हमारी प्यारी सी भूमि के प्यार का। सच्ची भाभी? सच्ची। थैंक यू सो मच। वैसे इस लड़के का बैकग्राउंड चेक किया है, लड़का एक बहुत बड़ी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, अच्छी जगह पे, अच्छी पोस्ट, घर परिवार भी अच्छा है। बस अब देखना ये कि ये लड़का भूमि के लिए सही है या नहीं, भूमि को आज भी पसंद करता है या नहीं। वैसे तो तुम्हारा ये जो प्लान है ये सही है ना? सोलाना। अब देखिए वो जो नौटंकी वाला कलाकार है ना, अब भूमि के पास जाएंगे और उससे बदतमीजी से बात करेंगे, ठीक है? और वहाँ जो राहुल बैठे हैं उनका हमको प्रतिक्रिया देखना है। माने क्या कहते हैं, क्या था रिएक्शन? वो देखना है कि जब वो भूमि से बदतमीजी से बात करेंगे कि हम लोग को देखना है अगर राहुल को गुस्सा आता है यानी वो भूमि से प्यार करते हैं। अरे भूमि क्या है यार, अभी तक ऑर्डर भी नहीं किया। अरे तुमको मालूम है ना कॉफी के लिए वेट करना नहीं पसंद हमको, और ये क्या लाली लिपस्टिक लगा रखा है? आई डोंट लाइक ऑल दिस। मिटाओ इसको। अरे मिटाओ इसको। क्या करे राजू बाबू, बैठिए ना, हम लोग को राहुल का प्रतिक्रिया देखना है, बैठिए। कहीं ये लड़का भूमि के साथ कुछ गलत ना कर दे, हमें इसे रोकना होगा।